ये वाला वो ये घर है जिसमें वो डायन रहती है एक, जिसका नाम है उपासना रावत। ये यही वाला घर है। मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो नीचे घर है ना, वो घर उपासना रावत है। और हम अभी जा रहे हैं चंबा। ये है हमारा भाषाई टोल। हाँ, ये है BST भाषाई टोल। नहीं, इसकी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरती है, जैसा यहाँ दिखने को मिलता है वैसा होता नहीं, एक इल्यूजन है। यहाँ ये गाड़ी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस गाड़ी का यही स्पीड है, जबकि ये दिखने में तो देखो मारुति सुजुकी एक एक यहाँ खड़ी है, ठीक है, और आगे तीन खड़ी है। लेकिन ये भी एक इल्यूजन है, दिखाई देता है लेकिन है नहीं गाड़ी। ये एक एक मारुति सुजुकी यहाँ, एक मारुति सुजुकी यहाँ, और कहीं नहीं दिखती। ये यहाँ का एक छोटा मोटा टिकाऊ मार्केट है, और यहाँ कुछ पंचायत चल रही होगी शायद। पंचायत हाँ नहीं ठीक है, ज्यादा ताश खेल रहे हो। और ये है हमारा वासाई थॉल, यहाँ से हम जाएंगे चंबा। ये चंबा के लिए 3 किलोमीटर है यहाँ से। ये रास्ता जाता है टेरी की तरफ, ये जाएगा हमारे कॉलेज की तरफ, ये जाएगा चंबा। ये हमारे कॉलेज का बैनर है। ये यहाँ घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पहाड़ों पे ऐसे होती है कंस्ट्रक्शन साइट्स। लेकिन ये यहाँ के घर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अच्छे भी होते हैं देखने में। शायद आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सामने आपको जिम दिख रहा होगा। जिम के नाम पे इसमें कुछ रखा नहीं है, बस 2-7 डंबल रखे हुए हैं, जो डंबल का हो ही कह सकता है, आप ही समझ सकते हो। और पैसा लेगा 600 रुपया। अभी हमको यहाँ पे एक टेबल पूछना है, टेबल पूछेंगे हम। ये एक टेबल, तो ये टेबल की बात कर रहा है अभी। देखो फिर से एक यहाँ भी कार हुई, अल्टो 800 रिपेयरिंग होते हुए। अभी हम जा रहे हैं चंबा। चंबा है एकदम नीचे, ये बहुत ही ट्रिकिंग वाला हाईली रिस्क रास्ता है। हाँ, ये एकदम हाईली रिस्क की रास्ता है, जिसमें मैं 2-3 बार गिर गया, एक बार लड़की को हेल्प करने में मेरा था। तो हमेशा ये स्नीकर्स पहन के आता है इस ढलान वाले रास्ते पे, तो इसका यही हाल होता है। लड़कियों की हेल्प करने की बहुत जल्दी होती है इसको। और ये रास्ता पूरा गोल गोल घूम के जाना होता है चंबा, तो हम शॉर्टकट से जा रहे हैं इधर से। ये अंजीर है क्या? ये अंजीर है, ये है अंजीर, छोटा अंजीर। बड़ा भी होता है क्या इसका? ये नुन्नू है उसका, अभी उससे बड़ा भी होगा। देखो ये रास्ता कितना ढलान वाली है। बाकी यहाँ की मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ। हाँ रोज तो बहुत होते हैं, फूल मतलब बहुत ज्यादा खिलते हैं यहाँ पे, रोज लेने वालों की कमी है। रोज लेने वाले की कमी है, रोज गुलाब के फूल होते बहुत है यहाँ पे। ये इसका नाम तो मैंने बताया नहीं, इसका नाम है नर्रू। नरेंद्र फ्रॉम राजस्थान, वहां बस डिजर्ट है। नीचे रोड जा रही है,
नीचे रोड है जो हम शॉर्टकट से लेके जा रहे हैं। कौन से? यहाँ कहाँ है आड़ू? इसमें ये आड़ू का पेड़ है, ये एक आड़ू का पेड़ है। ये देखो, ये इसमें छोटे छोटे आड़ू लगे हुए हैं, अभी ये कच्चे हैं अभी। सेकेंड ट्रैकिंग, सेकेंड मतलब स्लोप है ये, स्लोप से ज़्यादा रिस्की है, जहाँ बंदर भी खड़े हैं। ये अभिनव के दोस्त हैं, बंदर बहुत ही करीब से इसे जानते हैं जितना कोई और नहीं जानता होगा, देख सकते हैं। रोड से ना जाके इस शॉर्टकट से जाएंगे ऊपर वाले से। ये बहुत लंबा पड़ेगा हमको, करीब 2 किलोमीटर, और ये बस पहुंच ही गए इसमें तो। ये फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। ये पूरे किस चीज के पेड़ है नरेंद्र? ये वो बांज के है ना, बांज के पेड़ है जो यहाँ लोकल में इसे पाउडर के रूम में भी यूज करते हैं। हाँ, इसको लोग इसको अपने जानवरों को खिलाते हैं, पत्तियों के इसके, और लकड़ी का यूज भी करते हैं, मतलब बहुत काम में आती है। और इसका मेन काम ये है, इसकी जड़ों में पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है। पूरा ये बांस का पेड़ है। ये रास्ता, इस रास्ते में सबसे अच्छा यही रास्ता है, इतनी दूर का। इसमें एकदम ठंडा ठंडा माहौल रहता। चंबा का शहर है इधर और इधर, पूरा तारों का शहर कहते हैं। कब बोलते हैं? रात को बहुत ही अच्छा चमक। अच्छा, लोग बोलते हैं बेबी चलो तारुंगा शहर ले चलते हैं हमारे साथ, और रियल में आपको तारुंगा शहर दिखा देंगे। ये है, हाँ, बहुत सारे तार हैं देखो यहाँ पे, इसलिए इसको तारुंगा शहर बोलते हैं। तार नहीं, तार बोलते हैं यहाँ पे, अभी समझ में आया इसको तारुंगा शहर की बोलते हैं। ये देखो तार, देखो हेलो, आ गए हम तारों के शहर में जिसका नाम है चंबा। आपको दिखाएंगे यहाँ से ये लकड़ी का पुल, पूरा लकड़ी का पुल है, नीचे रोड है। ये चंबा का चौराहा है। हम आ गए चंबा, और इस नरेंद्र को पूछना है टेबल, तो टेबल लेके ये पढ़ाई करेगा उसमें। करेगा कितने दिन ये कंफर्म नहीं, ये नहीं पता कितने दिन करेगा, लेकिन इससे पहले भी 400 रुपये में टेबल मंगाई थी, उसमें 2 दिन पड़ा था। ये है पूरा अपना चंबा शहर। तो अब हमने सोचा इससे थोड़ा महंगा मंगा लेते हैं, एक साथ पढ़ लेंगे। अभी हम खाएंगे यहाँ पे समोसे, मिठाइयों को देख के समोसे खाएंगे। ये देखो पूरा चंबा शहर, चंबा से अब वापस जा रहे हैं। फट के हाथ में आई हुई है, फट के हाथ में नहीं, इतनी हाथ में आई हुई समझ नहीं आ रही।
तैयारी हमारी आगे करना ही क्या है। हालत खराब हो चुकी है अब। गधे की वजह से हम 3 बार गलत टर्न लेने की वजह से रास्ता हम भटक गए थे बीच में। 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार, 3 बार, 3 बार रास्ता भटके हम। आखिर गिरते पड़ते उठते बैठते हम BST आ चुके हैं अपना बादशाहित हॉल। अभी हम जाएंगे यूनिवर्सिटी सीजन 2 डाउनलोड करेंगे क्योंकि वहां है हम को 3 का वाईफाई। वो हॉस्टल है, ये कॉलेज की एंट्री थी। अभी देखते हैं हॉस्टल में जाना अलाउ है कि नहीं है। अभी ये पूरा हमारा हॉस्टल कैंपस, ये बॉयज हॉस्टल, देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। अभी चलते हैं हम कॉमन रूम में, वो है मेस, ये ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 3, उसके पीछे ब्लॉक 5 6। हम वापस आ गए क्योंकि गेट बंद था, वाईफाई बंद, गेट बंद, सब बंद थे। अभी हम डिपार्टमेंट तरफ जा रहे हैं। अभी हम कॉलेज से आ गए हैं, अब सामान ले रहे हैं, तो सब्जी लेनी है, उसके बाद रूम पे जाके सब्जी बनानी है, खानी है। हमने ये छाछ लिया है 1 लीटर 25 का, और अब लेंगे हम यहाँ से सब्जी, देखते हैं कौन सी सब्जी है। ने ले लिया ये भिंडी, टमाटर, बैगन, सॉरी बैगन नहीं है, मिर्ची और प्याज, और अब चल रहे हैं रूम पे। रूम पे जाएंगे, इसको बनाएंगे, चलते हैं रूम पे। वो है चंबा, हम वहाँ गए थे पूरा आज, और अभी चलते हैं घर, यहाँ है घर।